गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज बी स्टैंडर ताज। सो गाइस आज मैं इसमें लगाने वाला हूँ ये क्लियर ग्लास, मिंदा 300 का वाइजर है ये। सो गाइस इसको मैं लगाता हूँ, पूरी फिटिंग आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने क्लियर इसलिए मंगवाया है क्योंकि इसमें कैमरे से आगे दिखता रहा है। तो गाइस आपको पूरा दिखाते हैं ब्लॉग उसका कि ये कैसा लग रहा है लगाने के बाद, कैसे हम लोग इसकी फिटिंग करते हैं, क्या करते हैं। सो गाइस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो गाइस इसके हम लोग ने पॉइंट ले लिए हैं, मार्कर से इसमें पॉइंट कर लिया है। अब इसमें करते हैं पॉइंट, छेद करते हैं इसमें, फिर उसके बाद उसको वाशर से सेट करके लगाते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग ने पॉइंट कर लिए हैं, अब इसको कैया से इसमें छेद करते हैं। तो गाइस इसमें मैंने पॉइंट कर लिए हैं जिसमें ये बोल्ट में लगाऊंगा, इजिली ये जा रहे हैं। अब गाइज अपने वाले ग्लास में पॉइंट करते हैं। सो भाई लोग इसमें पॉइंट करने के लिए मुझे ये खुलवाना पड़ रहा है, ये मैं खोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास एनएलकी नहीं थी। सो गाइज इसको मैं खुलवा कर शॉप पर लेके जाता हूँ, फिर मैं इसमें पॉइंट करता हूँ। अरे भाई यार इसको खोलने में बहुत झमेला है यार, कहाँ कहाँ से खोलना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली अपना वाइजर निकल चुका है, अब चलते हैं शॉप पर, बाकी फिटिंग शॉप पर करते हैं। चलो सो गाइस जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये खुलवा लिया है, अब इसमें पॉइंट करते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट करना ज़रूरी है, इसके बिना ही लगेगा नहीं। भाई लोग ये वाशर लगा कर मैंने देखिए आप सेट कर लिया था, इसमें टाइट कर लिया था मैंने शॉप ही पर, इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट गाइज मैं इसको वाइजर लगवाने के लिए शॉप पर आया क्योंकि मेरे पास लिंक ही नहीं थी। अब गाइज उसको मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है कंप्लीट होने के बाद। तो भाई लोग अपना ग्लास लग चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इधर से होल्ड करके लगाया था। आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है, पूरा भाई व्यू दिखा दो उसका आगे से पीछे। तो भाई कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।